भूले जा बिसियों ने के दूर भाग भी तू ही कौन गाए तो दोस्तों आज का वीडियो तो देख लिया, वीडियो कैसा होने वाला था। दोस्तों आज मैं पुरुलिया न्यू साइड सॉन्ग में बहुत ही सिंपल स्टेटस वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर आ चुका हूं, तो पहले ही तो देख लिया वीडियो कैसा होने वाला। तो दोस्तों आप भी अगर इस टाइप का स्टेटस बनाना चाहते हो खुद का फोटो लगा के, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखे, ज़्यादा कुछ मेहनत करना नहीं होगा, खाली फोटो ऐड करने से स्टेटस बन जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है खराब लगता है कमेंट भी कर दीजिए। और दोस्तों वीडियो बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं जो पीएनजी और फोटो जो यूज करने वाला हूँ सभी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और जो मैं इफेक्ट यूज करने वाला हूँ इफेक्ट मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उधर से इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस स्टेटस को बनाने के लिए एलाइट मोशन ऐप को ओपन करना होगा, तो मैं एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना, और एलाइट मोशन ऐप को ओपन करने के बाद देखो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट ऑप्शन है प्रोजेक्ट ऑप्शन में आना होगा, और ये जो सॉन्ग बिटमार प्रोजेक्ट और ये जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है ये दोनों प्रोजेक्ट को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना होगा। और दोस्तों आज से वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा ये मटेरियल को, और ये मटेरियल आपको डाउनलोड करना नहीं आता है तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक कर लेना, वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो को देख लेना तो समझ में आ जाएगा ये दो प्रोजेक्ट को कैसे डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले देखो जो सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट है, ये सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट को आपको ओपन करना होगा। तो दोस्तों सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह आपको सॉन्ग बीट मार प्रोजेक्ट में एक ग्रुप लेयर देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। तो कुछ इस तरह मैं इफेक्ट बना के रखा हूँ पहले से। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, देखो ये जो बीट है ये बीट में मैं इफेक्ट बनाया हूँ, तो दोस्तों ये जो बीट है ये बीट से आप भी अगर कुछ नया इफेक्ट बनाना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो, तो ये बिट कोई काम का नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, देखो सबसे पहले फर्स्ट में आ जाना, और फर्स्ट में आने के बाद दोस्तों जिस फोटो पे आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड कर लेना। तो दोस्तों फोटो ऐड करने के लिए देखो प्लस ऑप्शन को टच करना होगा, मीडिया ऑप्शन में आना होगा, और दोस्तों जिस फोटो पे आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड करना होगा। तो देखो मैं आपको दिखाने के लिए एक फोटो में ऐड कर लिया हूँ। तो फोटो ऐड करने के बाद दोस्तों ऊपर में जो थ्री डॉट है यहाँ पर टच करना, और इधर से फिल कंपोजिशन एरर को टच कर देना, तो फोटो का जो साइज है वो फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो दोस्तों आप क्या करना होगा, एकदम लास्ट में आना होगा, लास्ट में आने के बाद ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना, तो देख सकते हो फोटो का जो साइज है एकदम लास्ट में आ गया है। दोस्तों ये जो फोटो लेयर है फोटो लेयर को टच करना, और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करके डुप्लीकेट लेयर कर लेना, और नीचे जो फोटो लेयर है ये नीचे वाला फोटो लेयर को दबा के रखना होगा, और जो ग्रुप लेयर है उसके नीचे रख देना। तो कुछ इस तरह आपको देख सकते हो फोटो में इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, देखो फिर से फर्स्ट में आना होगा, और फिर से फर्स्ट में आने के बाद दोस्तों एक पीएनजी फोटो ऐड करेंगे। तो दोस्तों पीएनजी फोटो ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना, और ये वाला पीएनजी फोटो को ऐड कर लेना। तो पीएनजी फोटो ऐड करने के बाद दोस्तों मूव एंड ट्रांसफर में आ जाना, और जूम ऑप्शन में आ जाना, और ऐसा करके जूम कर लेना अपने हिसाब से, जितना बड़ा आप रखना चाहते हो अपने हिसाब से रख लेना। और दोस्तों अब क्या करना होगा, देखो एकदम लास्ट में आना होगा, लास्ट में आने के बाद एक बार बैक हो जाना, और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, फिर से फर्स्ट में आ जाना, और फर्स्ट में आने के बाद ये जो देखो नीचे जो फोटो लेयर है ये फोटो लेयर को टच करना होगा, और दोस्तों ये जो मूव एंड ट्रांसफर में यहाँ पर टच करना, जूम वाला ऑप्शन में आ जाना, और ऐसे करके अपने हिसाब से छोटा कर लेना। देखो ये जो देखो ये जो पीएनजी फोटो है उससे थोड़ा बड़ा रखना है, उससे छोटा नहीं रखना है। तो देखो उससे थोड़ा ज़्यादा नहीं थोड़ा बड़ा रखना है, तो देखो मैं इतना कर देता हूँ। और दोस्तों ऐसा करने के बाद एक बार फिर से बैक हो जाना, और अब क्या करना होगा ध्यान से देखना होगा। देखो ध्यान से देखिए ये जो पीएनजी फोटो लेयर है और ये जो फोटो लेयर है मेन फोटो, ये दो फोटो लेयर को ऐसे सिलेक्ट कर लेना दबा के, देखो दो लेयर को, और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों ये जो मिडिल में जो ऑप्शन है यहाँ पर एक बार टच करना होगा। तो देख सकते हो कुछ इस तरह हमारा जो फोटो है वन के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, ये जो ग्रुप एंड मास जो लेयर है ये लेयर को टच करना होगा, और ये लेयर को टच करने के बाद देखो यहाँ पर जो बॉर्डर एंड शेडो जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना, और ये जो एड बॉर्डर है यहाँ पर टच कर देना। तो दोस्तों ये जो सेंटर में जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा, और ये जो साइज है आपने हिसाब से रख लेना। तो देखो मैं 10 कर देता हूँ, उसके बाद दोस्तों नीचे जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा,
और ये जो शैडो है उसको ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद ये जो साइज आपने हिसाब से रखना होगा। देखो तो मैं देखो 30 रख देता हूँ, और यहाँ पर जो नीचे जो एक्स वाई है 33 रहेगा, तो इसको 00 कर देना। तो 00 करने के बाद दोस्तों अब क्या करना होगा, बैक हो जाना, और देखो यहाँ पर नीचे जो सबसे नीचे जो फोटो लेयर है, ये फोटो लेयर में अब इफेक्ट देंगे। तो दोस्तों ये फोटो लेयर में इफेक्ट देने के लिए एक बार बैक हो जाना, और ये जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट में आ जाना। और देखो यहाँ पर जो फर्स्ट में जो फोटो लेयर है, ये फर्स्ट वाला फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट में आ जाना, थ्रीड को टच करके कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों बैक हो जाना और फिर से सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट में आ जाना। तो सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट में आने के बाद ये जो मेन फोटो लेयर है नीचे वाला, देखो ये फोटो लेयर को टच करना होगा, इफेक्ट में आना होगा, थ्रीड को टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो नीचे जो फोटो लेयर है कुछ इस तरह फोटो में इफेक्ट ऐड हो जाएगा, देख सकते हो। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, देखो यहाँ पर जो ग्रुप एंड मास में जो लेयर है फोटो लेयर, ये फोटो लेयर में अब इफेक्ट देंगे। तो दोस्तों ये फोटो लेयर में इफेक्ट देने के लिए फिर से बैक हो जाना, और ये जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट में फिर से आ जाना। और देखो यहाँ पर दो फोटो लेयर आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये जो लास्ट में जो फोटो लेयर है ये फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट में आ जाना, फिर उसको टच करके कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों बैक हो जाना और फिर से संग बीट मार्क प्रोजेक्ट में आ जाना, और संग बीट मार्क प्रोजेक्ट में आने के बाद देखो यहाँ पर जो ग्रुप एंड मास जो लेयर है ये लेयर को टच करना होगा, एडिट ग्रुप में आना होगा, और दोस्तों जो फोटो लेयर है ये फोटो लेयर में ये इफेक्ट को पेस्ट करना होगा। तो ये फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट में आ जाना, थ्री डॉट को टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो देख सकते हो कुछ इस तरह हमारा जो फोटो है फोटो में इफेक्ट ऐड हो जाएगा। तो फिर से बैक हो जाना और देख सकते हो बाहर आ जाना, तो कुछ इस तरह आपको फोटो में इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, फिर से फास्ट में आना होगा, और फास्ट में आने के बाद एक पिंज फोटो ऐड करेंगे। तो दोस्तों पिंज फोटो ऐड करने के लिए देखो प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना, और ये जो पिंज फोटो है ये पिंज फोटो को ऐड कर लेना। तो ये वाला पिंज फोटो ऐड करने के बाद मूव एंड ट्रांसफर में आ जाना, और ये जो जूम ऑप्शन है पर आ जाना, और अपने हिसाब से ये पिंज फोटो को फोटो का जो साइज है वो रख लेना। और ये जो पिंज फोटो है आप जहाँ रखना चाहते हो उधर रख लेना। तो मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ, देखो तो ऊपर मैं रख देता हूँ। यहाँ पर रखने के बाद दोस्तों एक बार बैक हो जाना और एकदम लास्ट में आ जाना, और लास्ट में आने के बाद ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो देख सकते हो कुछ इस तरह हमारा जो पिंज फोटो है वो ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों फिर से और एक पिंज बॉर्डर को ऐड करेंगे। तो दोस्तों ये जो पिंज बॉर्डर है ये पिंज बॉर्डर मैं हर वीडियो में यूज करता हूँ, अगर आपके पास है तो डाउनलोड करना नहीं होगा, नहीं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उधर से डाउनलोड कर लेना। तो पिंज बॉर्डर को ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना, और दोस्तों जो पिंज बॉर्डर है ये पिंज बॉर्डर को ऐड कर लेना। तो देखो ये वाला पिंज बॉर्डर है, तो पिंज बॉर्डर को ऐड करने के बाद मूव एंड ट्रांसफर में आना होगा, सॉरी दोस्तों मूव एंड ट्रांसफर में आना होगा, जूम वाला ऑप्शन में आ जाना, और इधर से पिंज फोटो को इस तरह करके जूम करके बड़ा कर लेना, और एक बार बैक हो जाना, बॉर्डर एंड शैडो ऑप्शन में आ जाना, और नीचे जो शैडो ऑप्शन है यहाँ पर इसका जो शैडो है वो ऑन कर लेना, और साइज अपने हिसाब से रख लेना। तो देखो मैं 20 रख देता हूँ, और ये जो पोजीशन है एक्स वाई देखो 33 रहेगा, तो इसको 00 कर लेना, और एक बार बैक हो जाना, एकदम लास्ट बिट में आ जाना, और लास्ट में आने के बाद ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो कुछ इस तरह हमारा जो स्टेटस वीडियो वो आन के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा करके आप स्टेटस को बना लेना, और स्टेटस बनाना हो जाने के बाद दोस्तों इसको एक्सपोर्ट कर लेना। तो एक्सपोर्ट करने के लिए देखो ऊपर में जो सारा ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा, और इधर से दोस्तों वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना ही था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।